तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक है ये ओप्पो के बारे में है। ओप्पो, यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आते हैं, यदि ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन आता है, तो ओप्पो कंपनी के मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका जो है हम लोग सीखने वाले हैं कि ओप्पो का मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, इसके बारे में। ओप्पो का कोई भी मोबाइल फोन आता है या उसके अंदर सीपीयू, बेशक आपका क्वालिकॉम सीपीयू लगा हो या उसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा हो, क्वालिकॉम मीडियाटेक का कोई भी सीपीयू लगा होता है, तो उस मोबाइल फोन को हम लोग अनलॉकिंग कैसे करेंगे, अनलॉक करने का तरीका क्या है, एफआरपी कैसे हटाएंगे, अकाउंट को कैसे रिमूव करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा अनलॉक टूल का शायद पाँचवा या छठवां वीडियो है और आप लोगों की वजह से इतना सारा वीडियो हम लेकर के आए हैं ताकि आप लोग सीख सकें और इसके माध्यम से जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन का लॉक खोल सकें और सॉफ्टवेयर संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो भी आप पूरा अच्छे से इनके बारे में जानकारी ले सकें। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप ही लोगों को सिखाने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग सीख करके अच्छी तरीके से खड़े हो सकें, अपनी शॉप पे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट काम कर सकें कि कैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया जाता है या उसमें कोई भी पासवर्ड लग जाता है तो उस पासवर्ड को कैसे तोड़ा जाएगा, उसका तरीका हम आपको पूरा सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा होने वाला ये ओप्पो का मोबाइल फ़ोन के ऊपर है कि ओप्पो का मोबाइल फ़ोन आता है उसके अंदर क्वालिकॉम का सीपीयू लगा हो, मीडियाटेक का सीपीयू लगा हो, उसको अनलॉकिंग कैसे करेंगे, एफआरपी कैसे हटाएंगे, अकाउंट लॉक को कैसे तोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। यदि ओप्पो का मोबाइल फ़ोन आता है तो उसको रिपेयर करने के लिए पहले आप ओप्पो पर जाएंगे। ओप्पो के बाद फिर यहाँ पर फंक्शन खुल जाते हैं, ब्रूम मोड है, फंक्शन है, मेटा मोड है, डायग्नोस्टिक पोर्ट है और यहाँ पर आपके ओप्पो के जो भी मॉडल खुल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जगह पर यहाँ पर ब्रूम है, ब्रूम है, ब्रूम ये लिख कर आ रहा है। तो ब्रूम लिख के आने का मतलब होता है उसके अंदर 100% उसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ है। अगर मीडियाटेक सीपीयू लगा होता है तो उसमें ब्रूम लिख कर आता है, क्या लिख कर आता है, ब्रूम, ब्रूम मोड लिख कर आएगा तो इसका मतलब होता है उसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ है। और अगर आप ऊपर करके देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, कई जगह पर ईडीएल भी लिख करके आ रहा है, ये देखिए। तो EDL लिख करके आने का मतलब होता है इसके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू है और जिसमें ब्रूम लिख करके आता है तो इसके अंदर मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा सीपीयू है। अगर क्वालिकॉम सीपीयू होता तो प्लस माइनस दबा के डाटा केबल लगाते हैं तो आपका मोबाइल फोन पहले ही कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ओप्पो और रियलमी के मोबाइल फोन में आपके EDL पॉइंट का ऑप्शन नहीं होता। उस मोबाइल फोन के अंदर आपको प्लस माइनस से ही कनेक्टिविटी होती है, वॉल्यूम प्लस माइनस दबाएंगे, डाटा केबल घुसाएंगे, आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। आप डिवाइस मैनेजर में जाकर के देखेंगे, वहां पर आपका मोबाइल फोन कोड बनाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर दिखाएगा। डिवाइस मैनेजर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप डिवाइस मैनेजर में क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा। जब भी आप प्लस माइनस दबाएंगे तो यहाँ पर पोर्ट का ऑप्शन बन जाएगा और फोन की कनेक्टिविटी आ जाएगी, आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास मान लिया ओप्पो का कोई भी मोबाइल फोन आ गया, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मान लिया आपके पास ओप्पो का A12 मोबाइल फोन आ गया। अब ओप्पो A12 मोबाइल फोन आ गया आपके पास सॉफ्टवेयर ठीक होने के लिए, कस्टमर कहता है भाई मेरा ओप्पो A12 मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में लॉक लगा है, इसका लॉक तोड़ दीजिए, पासवर्ड लगाए, पैटर्न लगाए, FRP लगाए, कुछ भी लगाए। तो सबसे पहली बात क्या है, जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप काम कैसे करेंगे, आप काम करने का तरीका क्या है। आंख मीच करके काम नहीं करने वाले, अगर बेवकूफों की तरह काम करना है तो भाई वीडियो देखना छोड़ दो, वीडियो मत देखो, चुपचाप बैठो, आराम करो। लेकिन अगर वीडियो से सीखना चाहते हो, वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हो, तो उस चीज़ को देखो, प्रॉपर तरीके से आप वॉच करो। अगर प्रॉपर तरीके से वॉच नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं कि मोबाइल फोन में कैसे पता करेंगे कि आपको काम करने का स्टेप क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको गूगल खोलना पड़ेगा। गूगल खोलने के बाद गूगल से पूछना पड़ेगा ओप्पो A12, ओप्पो A12 GSM अरीना, क्या लिखना है दोस्तों, ओप्पो A12 GSM अरीना। अब ओप्पो A12 GSM अरीना क्यों सर्च करना है, क्योंकि जब ओप्पो A12 GSM अरीना सर्च करोगे तो इससे सर्च करने से आपको यह समझ में आएगा कि उसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है, उससे आपको प्लेटफॉर्म का पता चलेगा।
क्या पता चलेगा दोस्तों? प्लेटफॉर्म का, इसके अंदर प्लेटफॉर्म कौन था? जैसे गूगल खोला, गूगल खोलने के बाद यहां पर आपने खोला, ओप्पो A12 जेसम अरीना हमने खोला, तो ये हमारा खुल गया। इसके अंदर हमको क्या देखना? प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में जाएंगे, चिपसेट, मीडियाटेक, सीपीयू काउंट लगा हुआ है, मीडियाटेक, मीडियाटेक का मतलब ब्रूम मोड, मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ है, आप समझ गए मीडियाटेक का सीपीयू है। अब आप इस मोबाइल फोन का चलिए लॉक खोलेंगे। लॉक खोलने के लिए फिर हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर, अपने टूल पर, ये हमारा टूल खुल गया, ओप्पो का मोबाइल फोन आ गया। यहाँ पर A12, अगर A12 आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सर्च में चले जाओ, सर्च में टाइप करो ओप्पो A12, जैसे ओप्पो A12 दिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, A12 A11 के एक ही है, ओप्पो A12 11 के एक ही है, A12S। तो अब आपके पास कौन सा मॉडल है? अब ये मॉडल देखने के लिए एक बात और बात है, यहाँ पर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये आ जाती है कि मॉडल कौन सा है। अगर आपके मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा, टेंशन मत लीजिए, उसमें इमरजेंसी में जाइए, उसमें कोड डालिए *#899#। क्या कोड डालेंगे? ओप्पो का फोन आता है तो उसमें कोड क्या डालेंगे? *#899#। जैसे आप ये कोड मारेंगे तो तुरंत आपका सॉफ्टवेयर वर्जन खुल जाएगा, सॉफ्टवेयर वर्जन में जाकर खोलेंगे तो वहां पर CPH लिख करके आएगा। क्या लिख कर आएगा दोस्तों? CPH। अगर वहां पर लिख कर गया तो CPH 2070 तो आप ये वाला ले लीजिए, CPH 2083 ये ले लीजिए। अगर लिख गया था CPH 2083 तो इसको भी ले सकते हैं, CPH 2070 जो लिखा है इसको भी ले सकते हैं, मतलब ये वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो, दोनों को भी ले लो। लेकिन जो ऊपर वाला लिखा है ये ब्रूम मोड है, और नीचे वाला जो लिखा हुआ है मेटा मोड है। हमारे मीडियाटेक के सीपीयू जो होते हैं दो तरीके से फॉर्मेट हो जाते हैं, जैसे ब्रूम मोड से भी फॉर्मेट हो जाते हैं और मीडियाटेक से भी फॉर्मेट हो जाते हैं। तो हम लोगों को अगर ब्रूम मोड से करना है तो इससे करेंगे, मीडियाटेक से करना है तो इससे करेंगे, एग्जिट करेंगे। आपका ओप्पो A12, आपने ओप्पो A12 ले लिया। अब ओप्पो A12 में आप करना क्या चाहते हो? आप यह करना चाहते हो कि उसमें लॉक लगाए, तो लॉक लगा है तो आप क्या करेंगे? फैक्ट्री रीसेट FRP पे क्लिक करें, ऐसे आप बोलेगा फोन कनेक्ट कराओ, प्लस माइनस दबा के डाटा केबल घुसा देना है। जैसे प्लस माइनस लगा के डाटा केबल लगा देंगे तो यहाँ पर समरी पे डिटेल 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 चलने लगेगा और आपका मोबाइल फोन का लॉक खुल जाएगा। यहाँ पर लिख जाएगा फॉर्मेट डन, FRP ओके क्लियर, आपका लॉक खुल चुका है। या फैक्ट्री रीसेट पे करेंगे तो अगर मान लिया उस मोबाइल फोन में खाली FRP लगा है तो FRP के लिए क्या करेंगे? यहां से स्टॉप कर देता हूं, फंक्शन रुक गया। इरेज FRP पे क्लिक करेंगे, जैसे इरेज FRP पे क्लिक करेंगे तो आपका FRP टूट जाएगा। अगर मान लिया आपके पास कुछ ओप्पो का मोबाइल फोन आता है, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपना अकाउंट लॉक लगा लेते हैं, तो अकाउंट लॉक को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर लिखा है रिमूव इरेज ओप्पो ID, ऐसे फोन कनेक्ट करा देंगे, जैसे क्लियर करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं, कुछ भी आप अपने मन से कर सकते हैं। FRP प्लस रीसेट, सेव मोड फॉर्मेट, ओप्पो ID, जो भी आप करना चाहें आप मोबाइल फोन को कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन को क्लियर कर देंगे तो क्लियर करने से ही आपके मोबाइल फोन में लॉक खुल जाएगा। जैसे आपके मोबाइल फोन लॉक खुल जाएगा तो लॉक खुलने से आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मेट हो जाएगा। जब आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा तो फॉर्मेट होते से ही आपका मोबाइल फोन का पूरा डाटा खाली, फोन खाली, लॉक टूट चुका होगा और फोन आपका नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, पूरा फ्रेश फोन ओके हो जाएगा।
तो ये दोस्तों आज मैंने आपको जो वीडियो पर दिया हुआ है ये ओप्पो के ऊपर, यदि ओप्पो का मोबाइल फोन आता है तो ओप्पो का मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करें। अच्छा, ये ओप्पो का मीडियाटेक सीपीयू का तरीका दिया हुआ है। अगर मान लिया तुम्हारे पास क्वालिकॉम आ गया, टेंशन लेने कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहां पर गए, ओप्पो A37, ओप्पो A37 आ गया, ले लो ओप्पो A37 ले लिया। अब ओप्पो A37 को क्या करेंगे, आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं प्लस माइनस देके पहले कनेक्ट करा लीजिए, फॉर्मेट करना चाहते हैं फैक्ट्री रिसेट कर दीजिए, इधर FRP कर दीजिए, उसका FRP टूट जाएगा, फोन फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा, आपका लोग खुल जाएगा। ओप्पो का कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में कर सकते हैं, या फंक्शन में जाएंगे या आपके फंक्शन खुल जाते हैं, मेटा मोड है, ये सारे फीचर्स आपके खुलते हैं। लेकिन हमारे मेनली यही यूज होता है, हम लोग मोबाइल फोन अनलॉकिंग के पर्पज से फोन आते हैं, तो इसके माध्यम से जो भी ओप्पो का मोबाइल फोन आते हैं सारे ओप्पो का मोबाइल फोन को हम लोग यहाँ से उसको लॉक को ब्रेक कर लेते हैं अगर उसके अंदर क्वालिकॉम CPU लगा होता है। अच्छा, यदि मान लिया तो हमारे रियलमी का फोन आ गया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी ओप्पो के अंदर तुमको रियलमी भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे, मान लिया आपके पास मोबाइल फोन आ गया रियलमी, और रियलमी का कौन सा मॉडल आ गया, रियलमी C11 आपने यहाँ पर डाला, रियलमी C11। अब जैसे आपने रियलमी C11 डाला तो रियलमी C11 डालते ही यहाँ पर आ गया। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, रियलमी ने कुछ बहुत कलाकारी करी है। क्या कलाकारी करी है कि उसके कुछ मोबाइल फोन के लॉक नहीं टूटते। क्यों नहीं टूटते, क्योंकि उसमें से SPD CPU लगा होता है। क्या लगा होता है, SPD CPU। आपको पता कैसे चलेगा, वही पुराना तरीका *8899# जैसे डालेंगे तो उससे आपको RMX पता चल जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पास यदि ओप्पो फोन होता है तो उसमें होता CPH, और अगर रियलमी होता है तो उसमें लिखा होता RMX, RMX रियलमी, CPH जो होता है ओप्पो, दोनों एक ही भाई भाई हैं। C11 ये दोनों MediaTek, ये C11 2021 SPD, क्या लगा हुआ है SPD, इसमें SPD CPU लगा। अब मान लिया तुम्हारे पास SPD CPU का मोबाइल फोन आता है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि उसका कोई तरीका और होगा, आप SPD में क्लिक कर दीजिए, SPD पे क्लिक करने के बाद इरेजर 5 भी क्लिक करिए, प्लस माइनस दबा के डाटा के भी लगा दीजिए, मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाए। कनेक्ट द टेस्ट पॉइंट, होल्ड डाउन वॉल्यूम डाउन बटन, टेस्ट पॉइंट का मतलब अंदर के टेस्ट पॉइंट होते हैं उनको भी शॉर्ट करा सकते हो, नहीं वॉल्यूम डाउन वाली बटन है उसको दबाओ, डाटा के लगाओ। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं तो आपको यहीं पर मदद कर देता है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको मास्टर बनना है तो एक बात और करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर की बात माननी पड़ेगी। कंप्यूटर बोलेगा यस तो यस, कंप्यूटर बोलेगा नो तो नो। कैसे, ये देखिए, जब कंप्यूटर कोई भी काम करता है तो अपने लिए अपने अंदर मैसेज जनरेट करता है। उसने बोला वॉल्यूम डाउन बटन दबाओ, इंस्ट्रक्शन हियर वॉल्यूम डाउन पे क्लिक कर दो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, इंस्ट्रक्शन हियर पे क्लिक कर लो, पढ़ लो, वो पूरी जानकारी दे देगा। क्या जानकारी दे देगा, देखो इस पे लिंक डाल देते हैं, कहीं खुला नहीं खुला, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हियर का मतलब होता है ये आपको पूरा ये लिख करके आ रहा है, ये लिख के आने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, ये प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से ही आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से पोर्ट बना लेगा, जैसे मोबाइल फोन पोर्ट बना लेगा तो पोर्ट बनाने से आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, फोन कनेक्ट होते ही फिर आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, FRP करेंगे तो FRP हो जाएगा। अच्छा, इन सब का वीडियो मैंने बहुत सारे मोबाइल फोन को ठीक करते हुए वीडियो मैंने YouTube में डाल रखा है, कम से कम मैंने 50-100 मोबाइल फोन का केस स्टडी डाल रखा है कि कैसे मोबाइल फोन लॉक खोला जाएगा, ओप्पो A3s को कैसे लॉक खोला जाएगा, इसके माध्यम से ओप्पो A3s को लॉक कैसे खोलते हैं, या ओप्पो का A5 मोबाइल फोन आता है उसको कैसे लॉक खोलते हैं, या C12 मोबाइल फोन आता है कैसे लॉक खोलते हैं, A12 आता है उसको कैसे लॉक खोलते हैं, रियलमी का C2 मोबाइल फोन आता है, रियलमी का C1 मोबाइल फोन आता है तो उसको कैसे लॉक खोलेंगे,
इन सब का लाख खोलते हुए मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप ही लोगों ने मुझे बोला है कि सर आप जो मुझे वीडियो बना करके दे देते हो मोबाइल फोन में लाख खोल करके दिखा देते हो, एक जादूगरी की तरह आप जादू दिखा देते हो, बस जादू जप्पी दे दी काम खत्म। लेकिन उस जप्पी से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। आप हम लोगों को एक एक करके क्लास के बारे में अच्छे से समझाइए, क्लास के बारे में अच्छे सिखाइए, ताकि हम लोग उससे सीख सकें, समझ सकें। और आज मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बोला हुआ है कि सर आप मुझे चीज़ सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक हमारे पास एक स्टूडेंट है, उन लोगों ने बहुत सारे कम से कम 15-20-30 स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने सिर्फ वीडियो के माध्यम से अनलॉक टूल को खरीद लिया, अनलॉक टूल को खरीदा है, 3 महीने का पैकेज खरीदा है। खरीदने के बाद कम से कम 3-4, एक तो हमारा ऐसा स्टूडेंट है जिसने से 4 मोबाइल फोन भी ठीक कर चुका है। उसने बोला कि सर जी मैं आपके माध्यम से 4 मोबाइल फोन ठीक कर चुका हूं, और उस स्टूडेंट ने मुझे 1000 रुपये भी पे किया है ऑनलाइन फोन पे मेरे नंबर पे जो डले हुए हैं उस नंबर पे 90-58-5211 उस नंबर पे 1000 रुपये भी पे किया है। इसलिए पे किया है कि सर मैंने ये आपके माध्यम से, मुझे नहीं लगता था कि मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन सब चीज़ों को सीख भी सकता हूँ, ये भी नहीं लगा था कि मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी मेरे पास मोबाइल फोन आएंगे उस मोबाइल फोन को मैं लॉक खोल भी पाऊंगा या ठीक कर पाऊंगा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और 3-4 मोबाइल फोन ठीक किए। कह रहे सर मैं सीखने के लिए कहीं जाता है मुझे उसके लिए पैसा पे करना पड़ता और आपके माध्यम से बिना पैसे दिए मैं कमा करके मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको सीखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है। और ये वीडियो हम आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग सीख करके खड़े हो सकें, अच्छी तरीके से काम कर सकें और बेहतर तरीके से काम करें। हमारा यही मानना है कि हमारा हर एक स्टूडेंट अपनी दुकान पर बैठ के, अपनी जगह पर बैठ के, अपने घर पर बैठ के कोई भी मोबाइल फोन को ऐसे चुटकियों में लॉक खोले। उसके लिए मार्केट में धक्के खाते ना घूमे, झोला भर भर के जाए, मोबाइल फोन लॉक खुल जाएगा, 100 रुपये लगेगा, छोड़ जाओ अभी 2 मिनट खड़े हो, अरे आप खुद खोलो ना, काहे को जाओगे वहाँ पर खुलवाने के लिए। लेकिन उसके लिए दोस्त एक काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, कि आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हमने अनलॉक टूल की इतना सारा वीडियो दिया है, वो सारा वीडियो आप वॉच करें, सारी वीडियो को समझें। समझने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391-711-711, 6391-211-211, इस नंबर पर आप संपर्क करें। जैसे आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं। या कोई थोड़ी बहुत चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पूछ लो, एक आध वीडियो हम तुमको ऐसे ही दे देंगे, सीख लो। अगर हाँ दोस्त, अगर पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हो, 0 लेवल से हीरो लेवल तक के कंप्लीट मास्टर बनना चाहते हो तो आप आकर के सीख सकते हो। आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, एक हमारे पास स्टूडेंट है समस्तीपुर के रहने वाले हैं दीपक जी, काफ़ी दिन से मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स ऑनलाइन ऐसे ही सीख रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सारा काम भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सर हमारा पूरा हो नहीं पा रहा है, हमको थोड़ा सा नहीं जम रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। तो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आज आने वाले हैं, कल आ जाएंगे 10 बजे से क्लास अपना ज्वाइन करेंगे। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई लोग हमारे यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं, आप उनको सीखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दोस्त मैं खड़ा हूँ आपको सिखाने के लिए, राघवेंद्र सर हैं जब तक आपके हैं तब तक आपको कभी कोई परेशानी की दिक्कत नहीं, आप पूरा सीख जाओगे। लेकिन कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है आप कॉल करो, जानकारी लो, इन्फॉर्मेशन लो, एक एक करके उन चीज़ों के बारे में सीखो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये भाई आँख मीच करके आप जो वीडियो देखते हो ना, ये बंद कर दो पहली बार। वीडियो देखने के लिए आप सीखना चाहते हो, अगर बिल्कुल वाकई में अगर आप लर्नर हो तो एक मेरी बात मानो, छोटी सी बात, ये बात मानो, एक कॉपी खरीद के लाओ, 10-15-20 रुपये के लिए कॉपी खरीद के लाओ। जो भी चीज़ें मैं बातें सिखाता हूँ, ये मैंने आपको कोड बताया कि ओप्पो का मोबाइल फ़ोन में कैसे, ओप्पो का कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है उस मोबाइल फ़ोन में *#899# ये मैंने कोड लिख दिया। अगर आपके पास कॉपी पेन होता है तो फ्रीज करके लिख सकते हो, नहीं लिख सकते तो बैठे रहो ऐसे ही। अगर ओप्पो का मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में आप FRP हटाना चाहते हो तो FRP हटाने के लिए *#813# उसमें कॉल कर दीजिए। जैसे आप कॉल कर देंगे तो कॉल करने के बाद उसमें FRP छू मंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओप्पो रियलमी के कोई भी मोबाइल फ़ोन में जिसके अंदर 10 सिक्योरिटी से नीचे दिया हुआ है उसमें FRP हट जाएगा। अब ये कोड मैंने लिख दिया,
लेकिन आप लोग ऐसे मूर्ख की तरह देखते रहोगे लेकिन लिखोगे नहीं। इसके लिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं तो आप सीखो, वाकई में सीखो, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में वैल्यू तभी होती है जब उससे अच्छे से सीखा जाए। अब वरना मैं ऐसे भौंकता रहूँगा, तुम ऐसे सुनते रहोगे, यहाँ से ले लो, यहाँ से निकाल लो, काम खत्म, बेकार। तो इसलिए क्या करता है, जो भी सारी चीज़ें उन सारी बातों के एक एक करके नोट करो। अगर मेरे द्वारा अगर एक महीने तक अगर सारी बातों को नोट करते हो तो कम से कम मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में इतना नॉलेज होगा, इतना नॉलेज हो जाएगा, अब तुम बिल्कुल जीरो हो, लेकिन नॉलेज तुमको बहुत हो जाएगा। एक मेरे पास आज सीखने के लिए आए थे और वाजपेयी ये थे, शायद रूरा के रहने वाले थे, और वो कह रहे हैं कि हम 10 साल से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? 10 साल से पूरा काम कर लेते हैं, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन में बोले अच्छा कंप्यूटर चला लेते हो, तो बोले कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लॉक कैसे खोलते हो, वो नहीं खोलते, तो करते कैसे हो, कहते सर दूसरी जगह करवाते हैं, लेकिन हम 10 साल से रिपेयरिंग कर रहे हैं। छाती ठोंक के बोले, हम 10 साल से काम कर रहे हैं ऐसे, 10 साल से रिपेयरिंग करें, कैसे रिपेयरिंग करें, वैसे ही कर रहे हो, फोन लेते हो कहीं जाके ठीक कराते हो, जाकर के खुद नहीं करते, समय निकालते रहो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो दोस्त, जब तुम्हारा मन करे मेरे पास आना, कंप्लीट सीख करके जाना, टेंशन मत लो। और अगर वीडियो के माध्यम से आप इन सब चीज़ों को सीखो, नोट करो, समझो, और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कॉल करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ओप्पो के मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, ओप्पो के मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन कौन से कोड्स यूज होते हैं, उन सब चीज़ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिली होंगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कॉल करें, सीखें, समझें, हमारी तरफ से जो भी हो सकेगा मैं आपको तहे दिल से आपको पूरा सपोर्ट करूँगा और आप सीख करके अच्छे तरीके से खड़े हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, और वीडियो देखने के साथ साथ सर वीडियो को शेयर भी करें, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल से संबंधित और भी बहुत सारा वीडियो नीचे पड़ा है उसको देखो, ताकि तुम्हारा दिमाग खुले, तुमको अच्छे से समझ में आए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है कॉल कर सकते हो। और एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद एक दोस्त नीचे मैसेज का लाइन आता है, एक अच्छा सा मैसेज करें कि आपको जो भी सारी बातें मैंने समझाई आपको समझ में आई कि नहीं आई, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको जो सारी चीज़ें हैं मैं समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और क्या क्या चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो वो भी मैसेज करो कि सर हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, आप हमको सिखा दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।